तो क्या हाल चाल है आपके। मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पे। तो पोको पोको जब भी इंडियन मार्केट में आता है ना कुछ तो ऊपर नीचे होता ही होता है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि शाओमी पोको दोनों एक ही पार्ट हैं, लेकिन 2020 के लास्ट से पोको अलग हो चुके, एक इंडिपेंडेंट ब्रांड बन चुका है। अभी तक जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं सब एक अग्रेसिव प्राइस के साथ लॉन्च किए गए हैं, और थोड़ा बहुत ने बहुत तगड़ी तगड़ी स्पेसिफिकेशंस के साथ लॉन्च किए जो मार्केट में ना तहलका सा मचा देती है। फाइनली इसी सीरीज में अभी तक जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च किए, चाहे वो पोको की सी सीरीज हो या पोको F1 सीरीज हो या फिर पोको के एक्स सीरीज हो, मतलब जितने भी स्मार्टफोन आए, जैसे स्टार्टिंग में आया था पोको X2, वो भी एक अग्रेसिव प्राइस के साथ था। इसके बाद पोको C3 आया, वो भी तगड़ी प्राइस के साथ लॉन्च किया। जिससे पहले पोको F1 था, वो तो चलो उसका भी सक्सेसर अभी तो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, लेकिन हालांकि जो आज इन्होंने अपना लॉन्च इवेंट रखा था उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी सीरीज में टीज भी कर दिया पोको F2 को। मतलब पोको F1 में तो बड़ी सी नॉच थी, लेकिन F2 में उन्होंने सिंगल से पंच होल के साथ डिस्प्ले दिखाया हुआ है। तो ये हो सकता है शायद ये पोको F2 की मिस्ट्री 2-3 साल बाद सॉल्व हो जाए। इसके बाद इन्होंने आई पोको की एम सीरीज आई, जिसमें पोको M2 पोको M2 प्रो लॉन्च हुए। काफ़ी तगड़े स्मार्टफोन ये भी थे, हालांकि दोनों स्मार्टफोन रीब्रांड थे रेडमी के 9 से। अगर मैं पोको M3 की बात करूं, जो आज फिलहाल लॉन्च किया गया है, इसको भी उसी हिसाब में लॉन्च किया गया, मतलब एक अग्रेसिव प्राइस के साथ। बेसिकली 11,000-12,000 की प्राइस में दो स्टोरेज ऑप्शन में लॉन्च हुए हैं, जिसमें से 6GB रैम रखी है और 128 मैक्स स्टोरेज रखी है। हालांकि जिनका जो ग्लोबल लॉन्च हुआ था पोको M3, वो भी इसी अग्रेसिव प्राइस के साथ, एक तगड़ी स्पेसिफिकेशंस के साथ लॉन्च हुआ था। और यहाँ पे जब इंडिया में आया तो बस केवल रैम को थोड़ा इम्प्रूव कर दिया गया, मतलब ग्लोबली 4GB रैम गया था, लेकिन यहाँ पे 6GB रैम के साथ लॉन्च किया गया है। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, ये ट्रूली बजट किलर स्मार्टफोन है करंट डेट में इंडिया में। मतलब 10,000 की प्राइस जो रखी है, मतलब इंट्रोडक्टरी ऑफ़र है, अगर आप पहली सेल इसकी 9 फरवरी से रखी जाएगी, उस 9 फरवरी में अगर आप पहले सेल में अगर परचेज करते हो तो ICICI बैंक के साथ आपको 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा फ्लैट, जिसमें से इनका जो बेस वेरिएंट हो जाएगा, मतलब 6GB रैम है 64GB, वो हो जाएगा करीब 9,999। और इनका जो हाईएस्ट वाला वेरिएंट है जिसमें 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज, वो हो जाएगा करीब 10,999। तो वही कहना कि 10,000-11,000 के प्राइस में तगड़ी चीज़ें इन्होंने दी है। मैं आगे आपको बताऊँगा कि क्यों ये मैं इसको स्टार्टिंग में टैगलाइन दे दी है कि बजट किलर, ट्रूली बजट किलर। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, क्योंकि आने वाले टाइम में हमें भी थोड़ा बहुत ग्रो करना है। रोड जो हमने फैट सेट कर रखा है, टारगेट जल्दी से हमें 5,000 सब्सक्राइबर पहुँचना है। अगर इस वाले फ़ोन की मैं बात करूँ तो इसमें आपको ना 6.5 इंच का एक फुल HD+ की LCD डिस्प्ले दी है, जिसकी पीक ब्राइटनेस जो इन्होंने ऑन पेपर रखी है 400 nits तक मैक्स रखी है, लेकिन 450 nits तक चला जाएगा। हालांकि इससे बेटर जो पीक ब्राइटनेस हमें देखने को मिली थी वो पोको X2 एंड पोको X3 में, जिसमें 450 nits तक पीक ब्राइटनेस थी मैक्स तक। तो ब्राइटनेस के मामले में थोड़ा ऊपर नीचे आपको देख सकते हैं, लेकिन जो प्राइस पॉइंट रखा इनका 10,000 रुपये, उसके हिसाब से आजकल जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं, यहाँ तक 10,000-12,000 में, चाहे वो रियलमी की 7i हो या फिर सैमसंग की एम सीरीज हो, सब में HD+ की डिस्प्ले देखने को मिली है। तो यहाँ पे आपको फुल HD+ का डिस्प्ले देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ और जोड़ दी है, TUV सर्टिफाइड कर दिया, जिसमें जो ब्लू लाइट फिल्टर है आपको आँखों को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। साथ के साथ डुअल स्टीरियो स्पीकर, 3.5mm जैक, और हाँ, फिंगरप्रिंट सेंसर इस बार आपको साइड में देखने को मिलेगा। लेकिन जो पीछे का डिज़ाइन है वो बेसिकली OnePlus का एक जो चाइना में लॉन्च हुआ था साइबर पंक एडिशन, उससे काफ़ी मिलता जुलता हुआ, मतलब वहीं से कहीं कॉपी किया गया है। लेकिन हाँ, डिज़ाइन फाइनली मतलब थोड़ी देखने में अट्रैक्टिव और थोड़ा एक नया सा लुक लगता है, अच्छी लगती है। अगर इसके परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ूँ तो इसमें आपको LPDDR4X रैम सिस्टम है, जो 6GB रैम है, एक सिंगल है। दूसरा, इनमें ना स्टोरेज टाइप में जो चेंजेस करे हैं, मतलब अगर 64GB का वेरिएंट लोगे तो आपको USB 2.1 है, अगर 128GB वाला वेरिएंट लोगे तो वहाँ पे UFS 2.2 का सपोर्ट देखने को मिलता है स्टोरेज टाइप में। बाकी अगर दिल धड़कन की बात करूँ तो इसमें स्नैपड्रैगन 662 वाला प्रोसेसर लगा है, जो काफ़ी चीज़ है। अगर मैं Redmi 9 Power को उठाऊँ तो उससे थोड़ा मिलता जुलता है। तो अगर इस वाले प्रोसेसर की मैं गेमिंग की बात करूँ तो नार्जो का 20A जो आया था
सेम प्रोसेसर उसी में है, इसमें भी है। तो गेमिंग इसमें आप आसानी से मीडियम सेटिंग में सेट करके आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। मल्टीटास्किंग के लिए 6 GB का रैम इसमें तो दिया हुआ है, तो उसमें भी आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। अब अगर इसके तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ूँ, वो है इसका कैमरा सेगमेंट। ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है, इसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर रखा है। और अगर सेंसर की साइज़ की बात करो तो 1/2 इंच का सेंसर रखा है। और फोटोज़ अच्छी तो नहीं कह सकते इतना ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन जो प्राइस पॉइंट रखी है 10,000 के हिसाब से तो फोटोज़ तगड़ी हैं। उस हिसाब से आपको फोटोज़ में इसकी शिकायत नहीं होने की। बाकी एक डेप्थ सेंसर दिया हुआ है दो, साथ के साथ इन्होंने कुछ नए फीचर्स ऐड किए हैं, जैसे कलर पोर्ट्रेट है, कलर AI है, पोर्ट्रेट मोड है, कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें डालने की कोशिश करी हैं, 8 की सेल्फी दी हुई है। अब अगर इसके थर्ड पार्ट की बात करो, फोर्थ पार्ट की, वो है इसकी बैटरी। 6000 mAh की बैटरी है, जैसे कि हमने पहले भी ग्लोबल में हुआ था, मतलब ग्लोबल वाले फ़ोन्स को इस वाले जो इंडिया में लॉन्च हुआ है दोनों में कोई फ़र्क ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, अगर थोड़ा थोड़ा है चीज़ें, लेकिन प्राइस पॉइंट में ज़रूर फ़र्क देखने को मिलता है कि वहाँ पर कुछ भी ऐसे अग्रेसिव प्राइस स्टार्टिंग वहाँ भी लॉन्च हुई थी और यहाँ भी कुछ अग्रेसिव प्राइस के साथ ही लॉन्च हुई। 6000 mAh की बैटरी है, 18 W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। अब खास बात यह है कि 18 W का फास्ट चार्जिंग का चार्जर इस बार बॉक्स में ही मिलेगा। 3.5 mm तो है ही, मैंने आपको बता दिया। अब अगर इसके सबसे मेन इंपॉर्टेंट की बात करो, क्योंकि Xiaomi हमेशा बदनाम है अपने UI के कारण। MIUI 12 है इसमें और Android 10 है, आउट द बॉक्स है, लेकिन पोको क्लेम करता है कि इसमें आपको एड्स नहीं मिलेंगे। मतलब थोड़े बहुत वो जो बराती आएंगे, मतलब जो होते हैं ना थर्ड पार्टी ऐप्स, वो छोटे छोटे होते हैं, जैसे जिल हो गया और इधर उधर के ऐप्स होते हैं, वो ज़रूर आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एड्स के लिए पोको सीरियसली कह रहा है कि पोको लॉन्चर की वजह से आपको क्लीन UI देखने को मिल जाती है। अब अगर फाइनल बात करें रिकमेंडेशन की, कि क्या यह वाकई ट्रूली बजट है, क्योंकि अभी तक जितने मैंने चीज़ें आपको बताई हुई थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपको आइडिया लग गया होगा कि हाँ ये ट्रूली बजट किलर है मेरे हिसाब से। तो अगर रिकमेंडेशन की बात करो, तो अगर 10,000 के प्राइस पॉइंट में आप बेहतरीन फ़ोन देख रहे हो, हालांकि Redmi 9 Power बैठा हुआ है यहाँ पे और इसका भी प्राइस जोन है, लेकिन Redmi के साथ हम इसलिए नहीं ज़्यादा कंप्रोमाइज़ या रिकमेंड कर सकता, क्योंकि वहाँ पे UI जो बहुत ज़्यादा भारी है और प्लस एड्स वहाँ आपको देखने को बहुत सीरियसली तरीके से गंदे वाले एड्स देखने को मिलेंगे। पोको के फ़ोन इसलिए मैं रिकमेंडेशन में डालता हूँ इस वाले बजट में, क्योंकि ये क्लीन UI के कारण इसमें पोको क्लेम करता है कि हम एड्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो अगर रिकमेंडेशन की बात करूं, तो 10,000 के प्राइस पॉइंट मेरे हिसाब से ये बेस्ट ट्रूली बजट किलर है, क्योंकि अभी इस प्राइस पॉइंट में मुझे नहीं लगता कि कोई अभी आए होंगे स्मार्टफोन, क्योंकि अभी हाँ इस प्राइस पॉइंट में ज़रूर माइक्रोमैक्स का है OnePlus Note 3, लेकिन कहीं ना कहीं उसको भी ये टक्कर देने की कोशिश कर ही रहा है। तो अगर आपका बजट 10,000 के ऊपर है या 10,000 के आसपास है, तो मैं दोनों वेरिएंट में आप जो भी सजेस्ट करो, या 64 GB या 128 GB, मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये हो सकते हैं। तो बस इतना सा था इस वाले वीडियो में, होपफुली आपको वीडियो पसंद आए, थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेटिव लगे। वीडियो पसंद आए इस वाले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बाकी सब्सक्राइब कर लेना इस वाले चैनल को। अगर इस वीडियो से आपको कोई सवाल हो या सुझाव हो तो मैं आपसे इंस्टाग्राम मिल जाऊँगा, थोड़ा सा वेट करो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए टेक केयर, बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।